नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे फर्स्ट टाइम इन इंडिया बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से ऐतिहासिक महानता जो इतिहास विषय का बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, यहाँ पर तर्क संगत जानकारी ये प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले देखें कि तीन महान घोड़े, तीन प्रसिद्ध ऐतिहासिक घोड़े जिसकी महानता वर्षों तक याद करते रहे हैं और युगों युगों तक याद करते रहेंगे। सबसे पहला घोड़ा बुसेफालस, नाम सुने होंगे, सिकंदर का घोड़ा है। ये सिकंदर का घोड़ा का नाम है बुसेफालस, बुसेफालस नाम है, बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है, जिसके बदौलत जो है सिकंदर महान हुआ। और इसकी महानता की कहानी वर्षों वर्षों तक, युगों युगों तक चलता रहेगा। इन्हें युगों युगों तक याद किया जाएगा। सिकंदर का घोड़ा बुसेफालस बहुत ही फेमस है, इसको आपको समझना है। दूसरा घोड़ा महाराणा प्रताप का है, जिसका नाम था चेतक। बहुत महान घोड़ा है, जिसकी कथा कहानी आज भी लोग जो है सुनते सुनाते हैं। आप समझ सकते हो चेतक, चेतक की कहानी। कभी महाराणा प्रताप को न तो गिरने दिया, न तो झुकने दिया, न आक्रमणकारियों से घबराया, या बेहिचक, बेधड़क और बेफिक्र होकर जो है महाराणा प्रताप को विजयी बनाता रहा। और जब महाराणा प्रताप के साथ ही जीना और मरने का एक संगम कहा जा सकता है, एक मेल कहा जा सकता है, दोनों महाराणा प्रताप और चेतक का पर्यायवाचक है। दोनों की महानता, ऐतिहासिक महानता आज भी याद किया जाता है। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता ना कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा अरी मस्तक पर, वह आसमान का घोड़ा था, वह आसमान का घोड़ा था। तीसरा घोड़ा है महारानी लक्ष्मीबाई की घोड़ा, बहुत फेमस घोड़ा, नाम जानते होंगे बादल, जिसके साथ ही अंग्रेजों से लड़ते लड़ते उन्होंने कुएं पर गिर गई थी। कहने का तात्पर्य है कि केवल अकेली नहीं, बल्कि बादल के साथ कुएं में गिर गई। ये वही बादल है जिन्होंने लक्ष्मीबाई को युद्ध में, उन्होंने लड़ने के लिए वो मार्ग प्रशस्त करते रहे। इनकी कहानी युगो युगो तक याद किया जाएगा। ये तीन प्रसिद्ध घोड़े जो पूरे विश्व में विख्यात है, पूरे विश्व में याद किया जाता है, पर्टिकुलर भारत में इन तीन घोड़े के नाम हमें जानकारी होनी चाहिए, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो। ये तीन प्रसिद्ध ऐतिहासिक घोड़े को हमें किले को रानी के नाम से ही जाना जाता है। रानी की वीरता की कहानी किला सहेजे है। अंग्रेजों से खुद को घिरता देख लक्ष्मीबाई ने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ से बांधकर अपने 2500 की कीमत के सफेद घोड़े पर बैठ किले की 100 फीट ऊंची दीवार से छलांग लगाई थी। लक्ष्मीबाई के इसी प्रसंग को सुनकर लोग इतने उत्साहित और रोमांचित होकर यहाँ इस किले का दीदार करने आते हैं। तीन इंडलिंग्स हमेशा स्मरण करना चाहिए। विदेशी आक्रमणकारी जिसको यवन कहते थे, बैक्टीरिया के ग्रीक राजा
भारतीय साहित्य में यवन कहा जाता है, उनके देश में अलेक्जेंडर तथा भारत में यलखेंद्र कहा जाता है, नाम था सिकंदर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिकंदर महान जिसको कहा जाता है 356 BC में। सेनापति सेल्यूकस, बाद में सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता सौंप दिया, उसके सेनापति का नाम था सेल्यूकस, बाद में सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता सौंप। दोस्तों, कहते हैं इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और ये बात कुछ लोग साबित भी कर देते हैं अपनी मेहनत से, दृढ़ संकल्प से और एक ऐसी सोच के साथ जिस पर एक आम इंसान विश्वास नहीं कर सकता। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसे ही महान इंसान की जिंदगी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने पूरी दुनिया को जीतने का एक सपना देखा और उसे सच करने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में आई हर मुश्किल को उसने पार किया और एक सच में विश्व विजेता बन गया। उस महान शख्स का नाम था अलेक्जेंड्रा द ग्रेट, यानी सिकंदर महान। सिकंदर मकदूनिया यानी मैसिडोनिया का एक ग्रीक शासक था। इतिहास में राजा तो बहुत हुए, लेकिन सिकंदर को ही महान क्यों कहा जाता है, ये एक रोचक सवाल है। दरअसल वह अपनी मृत्यु तक हर उस जमीन को जीत चुका था जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीक के लोगों को थी। यही वजह है कि उसे विश्व विजेता कहा जाता है। सिकंदर के जन्म के बारे में वास्तविक आंकड़े तो मौजूद नहीं है, लेकिन सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व हुआ था। सिकंदर का जन्म मैसिडोनिया साम्राज्य की राजधानी पेला में हुआ था। सिकंदर के पिता मैसिडोनिया साम्राज्य के राजा फिलिप द्वितीय थे। ऐसा माना जाता है कि जब सिकंदर का जन्म हुआ तो एफेसस के डायना के मंदिर में आग लग गई थी। दोस्तों, उस वक्त विश्व के 7 अजूबों में से एफेसस के डायना मंदिर को एक माना जाता था। सिकंदर के जन्म को अपशकुन मानते हुए दारा प्रथम, डेरियस प्रथम भी कहा जाता है, 480 BC पहला यवन है जो सिकंदर के पहले भी यहाँ आक्रमण कर चुका था। यह ऐतिहासिक महान राजा शिलालेख और धार्मिक सहिष्णुता के कारण चर्चित रहा है। ये डिमेट्रियस द मित्री जिसको कहते हैं उसका भी नाम है,